तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉस्टिक सोडा। यानी बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके यूजेज क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को अच्छे से और समझते हैं कॉस्टिक सोडा के बारे में। तो पहले बच्चों आपको ये बता दूँ कि कॉस्टिक सोडा होता क्या है। एक्चुअली कॉस्टिक सोडा इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है और एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कॉस्टिक सोडा होता है। एंड इज अ मेटल बेस, और ये एक मेटल बेस होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों NaOH। और इसको मेटल बेस क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो बच्चों, NaOH के पास दो चीज़ें हैं। एक तो आपका Na हो गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, क्लियर है ना। साथ में इसके पास OH भी है, OH, और ये जब आयन बनाएगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज जाएगा और OH पे माइनस चार्ज जाएगा। अब आपको पता है कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स यानी ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, जिनके पास OH माइनस आयन होते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये आपका एक बेस हो गया है, और इस बेस में क्या है, मेटल है, सोडियम मेटल, इसको हम मेटल बेस भी बोलेंगे। इसीलिए क्या है ये, मेटल बेस। और देखिए, इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन When dissolved in solvent such as water, यानी कि ये क्या करता है, एक strong alkaline solution बनाता है। अगर इसमें sodium hydroxide को किसी container में एक solvent को ले लूँ और साथ में इसको इसके अंदर dissolve कर दूँ, तो ये एक strong alkaline solution बनाएगा, strong alkaline solution। बच्चों, हम मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ऐसे बेस जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, और जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम अल्कलाइन सोल्यूशन बोलेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपने वाटर का सॉल्वेंट लिया है, पर मतलब वाटर को यूज किया है, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, क्लियर है ना। तो वही कहा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है, और ये जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ वाटर फिल कर दिया है, मतलब वाटर डाल दिया है। वाटर लेने के बाद में साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट ले लो आप, वो सॉल्ट कौन सा होगा आपका, NaCl, और ये NaCl सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व होकर के बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, ये एक्वस सोल्यूशन है ना, एक्वस सोल्यूशन। और साथ में यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, कितने, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे हम इस साइड में, एक इलेक्ट्रोड हमने ले लिया इस साइड में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देंगे एक बैटरी से। चलिए, बैटरी को जोड़ दिया यहां पर हमने, ये क्या बच्चों, बैटरी है, और बैटरी से जोड़ने के बाद में इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। मान लो कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बहुत सारा, क्योंकि ये नेगेटिव वाले साइड से जुड़ा है, इस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इस वाले इलेक्ट्रोड को, इसको बोलेंगे कैथोड, और इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, तो इसको हम बोलेंगे एनोड, क्लियर है। होगा क्या कि जैसे ही यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट आएगी सोल्यूशन के अंदर, किसके थ्रू आएगी, इन दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर आएगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और सोल्यूशन में क्या हमने ले रखा है बच्चों, NaCl का सॉल्ट ले रखा है, ठीक है ना, NaCl का सॉल्ट। तो NaCl जो Na और Cl होंगे ना, क्योंकि NaCl में क्या Na और Cl है, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कौन ब्रेक करेगा, यहाँ से ये बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इन दो, इस NaCl को ब्रेक डाउन कर देगा। अब ब्रेक डाउन करके दो तरह के आयन बनाएगा, कौन कौन से आयन बनेंगे यहाँ पे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। साथ में बच्चों यहाँ पर वाटर होगा, वाटर से हमको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। अब होगा क्या कि ये जो Na पॉजिटिव
और ये जो OH नेगेटिव है आपका, ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaOH, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, जिसको हमने फॉर्म करना था, ठीक है ना, जो हमें बनाना था वो बन गया है। साथ में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज हमने दिखा रखा है, ये जो क्लोरीन आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन आयन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बहुत सारे क्लोरीन आयन इस एनोड पर जाकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे और एनोड से चिपक जाएंगे। जैसे यहाँ चिपकेंगे बहुत सारे क्लोरीन आयन, तो वो क्लोरीन आयन आपस में जुड़ जुड़ के इस एनोड पर क्या बनाएंगे, एक गैस का फॉर्मेशन करेंगे, उसे बोलेंगे क्लोरीन गैस। यानी एनोड पर कौन सी गैस बन रही है हमारी, क्लोरीन गैस बन रही है। अब इस कैथोड पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये H प्लस आयन होंगे, ये इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और आकर के यहाँ चिपकेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो बहुत सारे हाइड्रोजन आपस में मिलकर के एक नई गैस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे H2 हाइड्रोजन गैस। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम फॉर्मेशन कर रहे थे, वो तो बना ही बना, साथ में हमको और भी प्रोडक्ट मिले हैं जिसको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बोलेंगे आप। क्लियर है ना? तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ठीक है, इससे रिलेटेड है सारा कुछ। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, यानी कि जब आपने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को लिया है, उसमें जब आपने इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया है, तो इसके अंदर क्या होगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है, जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो उसको ब्राइन बोलते हैं, और जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया है तो हुआ क्या है कि इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इट डिकम्पोज, कौन डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे, NaCl डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, NaCl डिकम्पोज हो रहा है, और क्या बना रहा है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है कि वॉट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो इसी को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्लोर, क्लोर मीन्स होता है क्लोरीन, यानी क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है इसी में, साथ में एंड अल्कली, अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें देखिए, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्लोर आ जाए, क्लोर से आया है क्लोरीन, अल्कली से आया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली बन रहा है, साथ में आपका क्लोरीन बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो थोड़ा कैथोड की तरफ जाके बनता है, किधर जाके बनता है, कैथोड की तरफ। अब कई बार बच्चों पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे जाके बनती है, तो आपका आंसर होगा किस पे, कैथोड पे जाके बनती है। या क्लोरीन गैस किस पे जाके, कौन से इलेक्ट्रोड पे जाके बनती है, वो आपकी एनोड पे जाके बनती है, ठीक है ना। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, तो मैं यहाँ पर रिएक्शन को आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, हमने इस कंटेनर के अंदर लिया है NaCl, साथ में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, साथ में हमने लिया यहाँ पर H2O यानी कि वाटर कंटेनर में, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ में बना है बच्चों क्लोरीन गैस, और बना है आपका हाइड्रोजन गैस, ये आपके गैसियस होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि देखो, ये क्लोरीन गैस कहाँ बन रही है आपकी, ये बन रही है एट एनोड, हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है आपकी, एट कैथोड, ठीक है, कैथोड। अच्छा, होगा क्या यहाँ पे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो थोड़ा सा कैथोड की तरफ बनेगा जा करके, क्लियर है। बैलेंस कैसे करोगे इसको, अब जरा बैलेंस करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना, 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सोडियम यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर सोडियम कितना, 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर काउंट करो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन पहले काउंट करो, 1, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए हैं, और 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आप ऑक्सीजन को काउंट करो, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल है, बस आपको ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा, यानी कि कॉस्टिक सोडा के यूजेज क्या क्या होते हैं। जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बनाया था, तो वो किस लिए बनाया था, अगर उसका क्या बनाना ज़रूरत थी बनाने की, ठीक है ना। तो इसका पहला यूज है बच्चों, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग
सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप और डिटर्जेंट बनाने में बहुत किया जाता है, यानी कि ये बहुत यूज किया जाता है। साथ में हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, और इसका यूज आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि रेयन होता है बच्चों, ठीक है ना, रेयन एक, इसको सिल्क फाइबर भी बोल सकते हैं, जिसको सिल्क बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल होता है तो इसको भी बनाया जाता है। ठीक, आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा होगा फाइबर फैब्रिक वाला, वहाँ से आइए। इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सोप के मैनुफैक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन द ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीच, और ये ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है। डाई बनाई जाती है आजकल, ब्लीच बनाए जा रहे हैं उसमें भी इसका बहुत यूज होता है। ब्लीच कैसे बनते हैं बच्चों, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था उसमें गैस बन रही थी, कौन सी, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, साथ में क्या बन रहा था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अगर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दी करते हैं तो एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसको बोलते हैं ब्लीच। ब्लीच जो घरों में हमारे यूज हो रहा है आजकल, जो आजकल हमारे घरों में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने आपको सब कुछ बता दिया अच्छे से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, और साथ में ये भी बताया कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको बढ़ाएंगे अपना अगला टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर।